कई बार देखिए आप रिएक्ट नहीं करते हो लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो दबाते हो दबाते हो फंसाते हो फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितना आसान है। आप जानते हो जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुद को मार मार के थक जाओगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको आपको हराने के लिए काम आती है। हर एक को बहुतों को बाइबल मुंह जुबानी याद है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं खुदा का फजल उसका अनुग्रह मरियम पे क्यों आया? चाहते हो क्यों आया? ताकि वो काम जो हो ही नहीं सकता था वो पॉसिबल हो। अब मुझे बताइए अपने आप को मारना कूटना, कोई आपकी बेइज्जती करके जाए, कोई आपके घर में रोज आपको टोंट करे सुनाए बैठ के, शांत रहना शांत रहना शांत रहना, ये आसान है? मेरे लिए तो नहीं है। कई बार देखिए आप रिएक्ट नहीं करते हो लेकिन आपको पता है आपको हर्ट हुआ है। आप दबाते हो दबाते हो दबाते हो फंसाते हो फंसाते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये कितना आसान है। आप जानते हो जैसे मरियम के ऊपर अनुग्रह आया ताकि बच्चा पैदा हो सके, वैसे ही आप पे अनुग्रह आया है ताकि आप खुद को हरा सको। मेरे भाइयों और बहनों, अगर ये चीज नहीं है आपके पास तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप खुद को मार मार के थक जाओगे, लेकिन ये एक ऐसी चीज है, अनुग्रह एक ऐसी चीज है जो आपको आपको हराने के लिए काम आती है। चलिए मैं एग्जांपल देता हूं। मैं चाहता हूं सब यहां देखिए, आप जानते होंगे हमारे लाइफ में कोई भी यहां पर नहीं बैठा है जो ये कहे मेरे सराउंडिंग मुझे प्रभु ने विश्राम देके रखा है। कोई कुछ नहीं कहता। एक तो होता है हर एक के लाइफ में, मम्मी पापा भाई छोटा भाई बड़ा भाई बॉस जीजा जी, कोई तो होगा जिसका बात करना आपको चुपता होगा। दो तीन है भैया, याद आ गए सब याद खानदान, हर एक के लाइफ में होता है। यू नो द बाइबल सेज कुछ लोगों के मुंह से तलवार की नाई चुपती है कुछ बातें। आपके लाइफ में है? सूरज भाई पहले ये बताओ आपके लाइफ में है? तीन है। कितने हैं? तीन लोग हैं। और प्रॉब्लम जानते क्या है? मुझे इनसे रोज मिलना पड़ता है, रोज मिलना है। एक बार प्रचार हुआ दुश्मनों को माफ करो, एक बहन ने कहा मैं सबको माफ करूंगी सांस को नहीं करूंगी। बोला क्यों? दुश्मनों को भी करूंगी इसको भी करूंगी उसको भी करूंगी सांस को नहीं करूंगी। तो बोला क्यों? बोला दुश्मन मिलता है 6 महीने में एक बार, ये मिलती है रोज, तो मैं नहीं करने वाली हूं। यू नो, अब मैं एक बात पूछना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा सब। आपके लाइफ में आपका बॉस, आपके मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, आपके कजिन्स, आपके पड़ोसी, जानते हो कोई ना कोई ऐसा रहता है जिसका बोलना एक्चुअली हमें चुपता है। और कुछ लोग आपको पता है ऐसे भी होते हैं एक्चुअली उनकी बातों में बड़े ताने होते हैं, बड़े ताने होते हैं, और ये बात उनको भी नहीं पता चलती है कि वो ताने मार रहे हैं, लेकिन हम जान लेते हैं, है ना। अब मुझे बताइए ऐसे लोगों के साथ रहना, शांत रह के बर्दाश्त करना, चुप रहना, सहन करना, ये कैसे हो? किसी ने आपको आपके पास्ट को लेकर सुना दिया, ये देखो आई है बड़ी बड़ी बातें, तू तो सलाम मत दे, तू तो एडवाइस मत दे। यू नो कुछ लोग होते हैं ऐसे, आपने सुन लिया आपको बड़ी ठेस पहुंची और आपने गुस्से में बोल दिया आज के बाद मैं कभी कुछ बोलूंगी नहीं। होता है ना, हम इमोशनली होके ऐसा बोलते आज के बाद मैं कुछ बोलूंगी नहीं। ओ आपको भी पता है पहले आप ही बोलने वाले हो। अब मुझे बताइए ये जो हर्टिंग्स आप अंदर में लेके चल रहे हो ये खत्म कैसे होंगी?
इसीलिए अनुग्रह आया है ताकि तुम खुद को हरा सको। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु मेरा स्वभाव इतना विनाशकारी है, ये हमेशा प्रभु मुझे डाउन करने के लिए नीचे आता रहता है, प्रभु मैं खुद को कैसे हराऊं? तब मुझे समझ में आया, एक्चुअली अनुग्रह परमेश्वर की वह ताकत है जो जब आपके ऊपर आएगा तो आपको हराना सिखाएगा। किसको? खुद को। उसे बहुत कुछ बोल दिया ना, अनुग्रह आपको ताकत देगा चुप रहने की। कौन हारा? आप। हमेशा मैराथन आपने देखा होगा, बॉम्बे में एक मैराथन रेस होती है, ओलंपिक्स होती हैं, कैसे लोग बच्चों को इनकरेज करते हैं दौड़ना जीतना। पॉल यहां पर कहता है, मैं तुम्हें इनकरेज करता हूं हारना, हार जाओ। अमेजिंग ना? वो कहता है मैं अपने आप को मारता हूं, कूटता हूं, वश में लेके आता हूं। मतलब क्या? वो कहता है मेरे अंदर एक सेल्फ लाइफ है, एक स्वयं का जीवन है जो हमेशा मुझसे आगे दौड़ने की कोशिश करता है। आपको पता होगा, समझिए एक और एग्जांपल। अगर मैं ये कहूं कि इस हॉल को पहले इतना गंदा था, किस किस बहन ने आके इसको साफ किया है? कुछ बहनें खड़ी हो जाएंगी, मैंने, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वो बाद में आई, पूरा मैं कर चुकी थी, मैं पूरा कर चुकी थी भैया, ये जो ये आई इसने क्या किया? इसने कुछ भी नहीं किया, इसने खाली फोटोज निकाले और आपको क्लिक किए, पर मैंने किया है। मुझे एक बात बताइए, आप नहीं देख रहे थे कि आपकी सेल्फ लाइफ ने आपको कितना लीड किया? आप जानते हो क्या होता है, ग्रेस क्यों आता है? ये जो सेल्फ आगे दौड़ रहा था, अनुग्रह आपको मदद करता है कि इसको पकड़ पीछे ले। दैट्स ग्रेस। हर दिन परमेश्वर से अनुग्रह मांगो। अच्छा ब्रदर, आपने बता तो दिया अनुग्रह ये है, मिलता कैसे? सिंपल, बताइए, आदम से प्रभु ने पूछा, तू कहां है? जिस फल को मैंने खाने के लिए मना किया तूने खाया क्या? बताइए आदम ने क्या उत्तर दिया? हां जी, किसको आता है जोर से बोलिए, तूने जो पत्नी दी। यू नो, आजकल लोग बड़े स्मार्ट हैं, आपको बताऊं कैसे? बताइए, जब सारा ने इब्राहिम से कहा, हाजिरा से बच्चा पैदा कर, इब्राहिम ने खुदा से पूछा? नहीं पूछा। पर बताइए, जब इश्माइल जो एक मौकर था, यू नो इश्माइल के अंदर एक बहुत बुरी आदत थी, वो हंसता था लोगों पे। आपने देखा होगा कुछ लोग की हंसी भी आपको एक मैसेज दे सकती है। यू नो, आप लोग के फेलियर में भी कुछ लोग ऐसे हंसेंगे कि आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली ये मौकरी है। यू नो, इश्माइल वाज अ मौकर। ऐसा लिखा गया है कि 100 साल की उम्र में जब बेटा पैदा हुआ और इसहाक जब बड़ा, तो यू नो द बाइबल सेज वो उस पे हंसता था। मुझे अब बताइए, जब इस बार सारा ने उसे गुस्से में कहा इसको निकाल, तो बताइए इस बार उसने क्या किया? हाँ, पहले सारा ने कहा बच्चा पैदा कर, तो परमेश्वर से नहीं पूछता है, लेकिन अब वो जानता है कि बाप रे, ये लड़के वुमेन्स के इश्यूज हैं और मैं सैंडविच बनने वाला हूं। यू नो, फिर प्रभु से क्या बोलता है? प्रभु मेरी वाइफ ऐसा कहती है, मैं इसको निकाल दूं? प्रभु बोलता है, यस सुन प्रभु, कैसी पत्नी दी है आपने, ऐसे करती रहती है, उसको बोलती है बाहर निकाल, हाँ मैंने दी है, कंटिन्यू जा जाकर अब इसकी बात मान। यू नो, लोग इतने स्वार्थी हैं आजकल, जब खुद को कुछ मिलने वाला होता है ना, दे नेवर आस्क गॉड। मैंने कुछ लोगों को देखा है, यू नो, एक भाई मिला था मुझे, तो उसने मुझे बोला, भैया मेरे लिए कोई रिश्ता ढूंढो। तो एक्चुअली 2 दिन पहले एक रिश्ता आया था, तो मैंने कहा ब्रदर मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, आप एक काम करो, हमारे चर्च के एक भाई हैं, उनसे जाके मिलो, वो आपको बताएंगे। लड़की बड़ी काली थी और बेचारी वो इतनी रिच फैमिली से नहीं थी, और जब उसने फोटो देखा ना, जानते हो क्या करता है? ब्रदर ठीक है, मैं 2 दिन प्रार्थना करूंगा। और यू नो, 2 दिन प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, उसके बाद आके कहता है ब्रदर नो आंसर इन प्रेयर।
और अगर आप इन लोगों को कोई फेयर लड़की दिखाओ ना, दे नो द विल ऑफ गॉड। अगर आप इनको कोई गोरी लड़की दिखा दो ना बाहर की, तो ये परमेश्वर की इच्छा जानते। नो प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं, डायरेक्ट शादी। अरे खुदा तुझे बरकत दे, शर्म कर थोड़ी। गोरी लड़कियों के लिए खुदा से नहीं पूछते हो, काली लड़कियों के लिए अन्य भाषा में प्रार्थना करते। प्रभु मुझे अपनी मर्जी बता। पीपल आर सो सेल्फिश इन दीस डेज। काली लड़की आएगी तो परमेश्वर से कहेंगे प्रभु मैं फास्टिंग करता हूं। इनको पता है उत्तर आया भी तो नहीं लेंगे। लेकिन अगर कोई लड़की फेयर है, रिच है, उसके लिए कोई प्रार्थना नहीं। परमेश्वर के दिल को जानते, यही है ब्रदर, बिल्कुल यही है। और शर्म कर भाई, तू क्या बोलू। बोलिए फजल खुद को हराने के लिए मिलता है। कितने लोगों ने आज ग्रेस का एक नया डेफिनेशन समझा। अनुग्रह क्यों आता है? सारी दुनिया को इनकरेज करेगी, भागो भागो भागो, जीतो। पॉल कहता है खुद को हराओ, यही तुम्हारी रेस है। आमीन। बोलिए मैं हारूंगा। कैसे कैसे कन्फेशन कराते हो ब्रदर। मैं हारूंगा। बोलिए मैं हारूंगा, क्योंकि मेरी हार में मेरी जीत है। यस, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोगों ने आज कुछ लर्न किया? अनुग्रह किसको मिलता है? आदम ने क्या कहा? तूने जो पत्नी दी, बस 5 मिनट में खत्म करूंगा, उसने मुझे फल खिलाया। अगर आदम यह कहता, लॉर्ड आई एम सॉरी आई डिड, उसे अनुग्रह मिलता। मधुमक्खी शहद को पहचान जाती है, लोहा मैग्नेट को पहचान जाता है, ग्रेस ऑनेस्टी को पहचानती है। आप मधुमक्खी के सामने थोड़ी शहद लेकर आओ, चिपक जाएगी। आप लोहे के सामने चकमक लेके जाओ, चिपक जाएगा। आप ऑनेस्ट बनो, परमेश्वर आपको अनुग्रह से माला माल कर देगा। बी ऑनेस्ट, ठीक है।